नमस्कार, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा बड़ी चौपड़ का एरिया है। बहुत ही शानदार ब्लॉग होने वाला है। पूरे ब्लॉग में बने रहें और एंजॉय करें। लास्ट में आपका कोई कमेंट है तो कमेंट ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। ये बड़ी चौपड़ का एरिया और सामने आप देखेंगे हवा महल। ऊपर आपको चहल पहल दिखाई दे रही होगी बड़ी चौपड़ के ऊपर। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे बड़ी चौपड़ और सामने आप देखेंगे माणक चौक थाना पुलिस। और ये पूरा यहाँ का व्यू है। तो आज का ये ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हुए सुभाष चौक होते हुए चार दरवाजे तक जाएंगे। बहुत ही शानदार वीडियो होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखें तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हवा महल के आगे से चलते हुए, और ये हवा महल आपके सामने, आइए चलते हैं। और ये हवा महल के पास में दुकानें बड़ी चौपड़ से निकलते ही, और ये हवा महल का व्यू। ये शानदार यहाँ का व्यू और ये सामने का व्यू। आइए और आगे चलते। और ये हवा महल का फ्रंट व्यू, सेल्फी पॉइंट जिसे बोलते हैं, इसके सामने खड़े होकर लोग सेल्फी खिंचवाते हैं। और ये आगे मेन रोड, और सामने ये सामने का व्यू। ये आप देखेंगे तो यहाँ से लोग हवा महल का पूरा व्यू लेने के लिए या इनके ऊपर वहाँ जाते हैं, और वहाँ से पूरा व्यू लिया जाता है। ये पूरा सामने का व्यू है। और ये इस रोड पे और आगे चलते हैं। और ये आगे निकलते ही भैया जोधपुर का प्रसिद्ध जलजीरा वाले लू हैजा गैस कब्ज सब में फ़ायदा करता है नींबू पानी। तो एक नींबू पानी पी लेते हैं। ये बना रहे हैं भैया सोडा के साथ, बना रहे हैं सोडा के साथ। और ये यहाँ का आगे का व्यू है। और ये सामने हम बात करें तो यहाँ पर महिला थाना है। और ये पूरा रोड का व्यू है। नींबू पी के आगे चलते हैं। बना दिया? हाँ बना दीजिए, बना दीजिए। नींबू पानी बन रहा है। और ये थोड़ा आगे निकलते ही आगे का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर लस्सी, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, दाल कचौड़ी, प्याज कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़ा, सब कुछ, समोसा और कचौड़ी वगैरह आपको मिल जाती है यहाँ पे। और ये आगे यहाँ पुलिस थाना है, पर्यटक टूरिस्ट पुलिस थाना। और ये आगे का व्यू है। आइए आगे चलते हैं। और ये ठिकाना मंदिर श्री काले हनुमान जी, चांदी की टकसाल। ये इसी रोड के ऊपर आगे गोलाई के अंदर ये मंदिर। आइए और आगे चलते हैं। और ये मंदिर से आगे निकलते ही आगे का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ पर सुभाष चौक, सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू लगा हुआ। और ये यहाँ का पूरा व्यू। इधर से हम आए हैं और अभी आगे सीधा निकलना है चार दरवाज़ा चौकड़ी, इधर से अंदर सीधा। और यदि यहाँ से लेफ्ट में घूमते हैं तो ये हवा महल, और आगे फिर
दिल्ली रोड को निकल जाता है। आइए आगे चलते हैं। और ये सुभाष चौक से आगे निकलते ही ये पुलिस थाना सुभाष चौक, और ये यहाँ पर पूरा व्यू यहाँ का मिठाई की दुकान, और ये सामने का व्यू। आइए और आगे चलते हैं। और ये सुभाष चौक पुलिस स्टेशन से आगे निकलते ही आगे का व्यू, आइए और आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे मुहर्रम, आज मुहर्रम का दिन है, तो ये चार दरवाजे के सामने ही, ये सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, चार दरवाजे, उसमें से एक दरवाज़ा उसी के पास सुभाष चौक के पास में जैसे मंदिर आते हैं, बड़ा सा एक मुहर्रम ताजिया पढ़ाया हुआ है, जो शाम को इसकी यहाँ से इसको उठाया जाएगा और आगे करबला लेके जाया जाएगा। ये पूरा यहाँ का व्यू है। आइए और अंदर चलते हैं, चार दरवाजे के अंदर। और ये चार दरवाज़ा चौकड़ी, एक इधर सामने दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दरवाजे हैं इसके, सामने वो बड़ा मीनार एक मस्जिद का, और ये दरवाज़ा, और ऐसे इधर घूम के देखें तो इधर एक दरवाज़ा, और ऐसे ही मेरे पीछे यदि मैं घुमा के दिखाऊँ आपको तो इधर एक दरवाज़ा, ये पूरे चार दरवाजे और ये चौकड़ी, ये दरवाज़ा जो मीनार पास में बड़ी मस्जिद है, मौलाना साहब की दरगाह का दरवाज़ा है, आप देखें ये दरवाज़ा है। और ये दूसरा दरवाज़ा मोती कटला दरवाज़ा, ये पूरा व्यू यहाँ का। और ये सामने चौथा दरवाज़ा गंगा पोल दरवाज़ा, गंगा पोल को ये रास्ता जाता है। इस तरह से ये चार दरवाजे हमने देखे, एक सुभाष चौक की तरफ जाते हैं सुभाष चौक दरवाज़ा, और ये गंगा पोल की तरफ जाता है गंगा पोल दरवाज़ा, और एक मौलाना साहब का मजार का दरवाज़ा, ये हमने चार दरवाजे देखे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, चार दरवाजे तक हमने ये पूरा सफ़र किया, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।